ओम शांति। 15वीं शताब्दी, फ्रांस में जॉन ऑफ आर्क नाम की कन्या थी जिसने अपना जीवन अपने देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था और भगवान पर पूर्ण विश्वास था, परंतु उसने जो कुछ किया उसे दंड दिया गया था, बर्निंग एट अ स्टेक, एक खंभे पर बांधकर सबके सामने उसे जला दिया गया था। वो एक बहुत खतरनाक दुखदायी दृश्य है जहां वो बांधी हुई है और 19-year-old जॉन ऑफ आर्क उसको जला दिया, और जब उसको जला रहे होते हैं वो चिल्लाती है, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, जीसस, जीसस, और वो कहती है किसी को सभा में से, वो जो लोग देख रहे होते हैं, कोई मुझे वो क्रॉस दिखा दे, और कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर वो क्रॉस जीसस का ऊपर करता है और उसे देखते 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 वो जॉन ऑफ आर्क मर जाती है। वो कहानी समर्पण की कहानी है। किसी ने देखा है ये वीडियो जॉन ऑफ आर्क का? कुछ कुछ ने देखा है। कैसे वो चिल्लाती है, पर उसका ईश्वरीय प्रेम, अपने देश के लिए प्रेम, और वो झुकती नहीं है। जैसे भारत में झांसी की रानी है, वैसे जॉन ऑफ आर्क है। देखने वालों की आंखों में आंसू है, पर उसका ईश्वरीय प्रेम, उसकी लगन, उसका फेथ, ओ लॉर्ड आई कम अन टू यू, इस धरती पर ऐसी कितनी ही आत्माएं हुई है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर को अर्पित कर दिया, एक ईश्वर को ही सब कुछ मान लिया और उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मेरा अक्का महादेवी, जनाबाई, मुक्ताबाई, राबिया, आनंदमयी माँ, संसार में बहुत लंबी लिस्ट है स्त्रियों की, महिला संतों की, और सबसे बड़े उदाहरण इस यज्ञ में है जो छोटी छोटी कन्याएं, उन्होंने अपने जीवन को ईश्वर के इस यज्ञ में स्वाहा कर दिया, जिन्होंने एक परमात्मा को ही सब कुछ मान लिया और जिनको इस संसार से ऐसा बैराग था कि यहां की कोई चीज नहीं चाहिए, एक ईश्वरी जिनका सर्वस्व था। द्वापर से अब तक हर देश में, हर प्रांत में, हर स्थान पर, हर जगह ऐसी ढेर सारी महिलाएं हुई है। इस्लाम में, सूफियों में, यहूदियों में, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुओं में, वो एक आम्रपाली थी, जैसे ही बुद्ध के संपर्क में आई सब परिवर्तन हो गया। कहां तो वो नगरवधू थी, और जैसे ही
महात्मा बुद्ध के संपर्क में आई वो बदल गई और कितनों का जीवन उसने खुद परिवर्तन कर दिया आगे जाकर। वो एक राबिया थी जिसका ईश्वर के अतिरिक्त उस अल्लाह के अतिरिक्त और कोई नहीं था। वो एक सेंट थेकला करके है वो थी जिसको कितनी यातनाएं दी गई कितना सताया गया परंतु उसका विश्वास उसका निश्चय अटल था। तो लिस्ट तो बहुत बड़ी है जहां पर आत्मा ने एक ईश्वर को ही अपना पति समझ लिया साजन समझ लिया दुल्हा समझ लिया और उसके प्रति जीवन समर्पित कर दिया। और जो ऐसी आत्माएं हैं बहुत थोड़ी है संसार में और इन्हीं का गायन है। ये सब नहीं कर सकते। संसार की वो स्त्रियां क्या कर रही है इस समय और यहां ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही है कितना अंतर है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह भविष्यवाणी की थी भविष्यवाणी ही कहेंगे उसको वो तो चले गए 1902 में यज्ञ स्थापित हुआ 36-37 उन्होंने लिखा है एक जगह कहा है यदि भारतीय एक समय आएगा भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्मा पैगाम फैलाएगी अ डे शैल कम व्हेन इंडियन लेडी क्लैड इन व्हाइट शैल स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड द वर्ल्ड ओवर। वो इसी की भविष्यवाणी थी कि भारतीय नारी सारे विश्व में परमात्मा संदेश देगी और वो नारी ब्रह्मा कुमारी है और ब्रह्मा कुमारी से बड़ी कोई पोस्ट इस संसार में नहीं कोई पद नहीं है कोई पोजीशन नहीं है। दादी प्रकाशमणि जी को एक बार राजस्थान के एक यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिली तो वो पहनते हैं ना कोट और वो ऐसा स्क्रोल तो दादी ने वो पहन लिया और वो स्क्रोल लेकर अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख आ गई बाबा देखो मुझे ये मिला है। ओम शांति भवन। बाबा ने कहा बच्ची क्या ब्रह्मा कुमारी से भी बड़ी कोई डिग्री है। कोई नहीं। योगी सिट्स ऑन द हिट्स ऑफ वेदास और ब्रह्मा कुमारी सिट्स ऑन द हिट्स ऑफ ह्यूमैनिटी सबसे ऊंचा पद ब्रह्मा कुमारी का है। भगवान ने सिर पर कलश रखा है इसके सामने संसार के सारे पद सारी सुविधाएं सारा नाम मान शान तुच्छ है। यह सर्वोत्तम है सर्वोच्च है द हाइएस्ट। और इस जीवन में एक ही आधार स्तंभ है जिसके लिए हमने अपना जीवन दिया है। किसी व्यक्ति के लिए नहीं दिया किसी को खुश करने के लिए नहीं दिया। वो एक निराकार सच्ची सच्ची नंस तुम हो वो नहीं। वो तो पवित्र भी नहीं रहती और दूसरों को पवित्र भी नहीं बना सकती। कुछ दिन पहले मुरलियों में था नन बट वन तुम हो जो स्वयं पवित्र हो और दूसरों का बुद्धि योग बाप से जोड़ती हो। तो आज का हमारा विषय है नन बट वन। इसमें 10 बातें हम देखेंगे। सबसे पहली एक बाप दूसरा ना कोई। सबसे पहली बात कौन सी है
कि मेरे जीवन में एक ही है बस और कोई नहीं, एक ही बस। यदि मैं किसी और को जीवन में अलाउ करती हूं, तीसरा आना मतलब तीसरी आंख बंद। एक बाप दूसरा ना कोई, या फिर एक बाप दूसरा मैं तीसरा ना कोई, केवल और केवल मैं हूं और वो है बस। किसी बॉयफ्रेंड की हमें जरूरत नहीं, किसी मेल फ्रेंड की हमें जरूरत नहीं, किसी के आधार की, सहारे की, प्रेम की हमें जरूरत नहीं। भिखारी नहीं है हम किसी का प्रेम मांगे, दे दो आधार, कंधा सिर रख कर रोने के लिए कि चाहिए किसी को, कुमारियों को कंधा चाहिए किसी का रख कर रोने के लिए। कोई नहीं चाहिए, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भीख नहीं मांगनी है, ना किसी का प्यार चाहिए वन, ना किसी की केयर चाहिए टू, ना किसी का अटेंशन चाहिए थ्री, ना कोई किसी से शक्ति चाहिए फोर, ना किसी की सहानुभूति चाहिए फाइव, ना किसी का रिस्पेक्ट चाहिए सिक्स, ना किसी की प्रशंसा चाहिए सेवन, ना किसी से सुख चाहिए एट, ना किसी से शांति चाहिए टेन। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम भिखारी नहीं है, हम बीमार हैं कोई आए और हमारी सेवा करे, नहीं चाहिए। निराधार ब्रह्मा कुमारी अर्थात निराधार, किसी देहधारी का आधार नहीं। इलेवेंथ, किसी की मदद नहीं चाहिए, भीख नहीं मांगी करे तो ठीक। ट्वेल्थ, किसी का सहयोग नहीं चाहिए, कोऑपरेशन। ये 12 के 12 चीजें हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो भीख नहीं मांगेंगे। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto it. पहले उसका राज्य और प्रभु को पाओ तो संसार की सारी चीजें ऐड हो जाएगी उसमें अपने आप, मांगना नहीं है। 13, अंडरस्टैंडिंग, कोई मुझे समझे, मेरी भावनाओं को समझे, मैं इतनी अच्छी, फोर्टीन पावर हो गया, पावर, आई डोंट वॉन्ट एनीबडीज पावर, किसी में भीख नहीं मांगूंगी कि मुझे शक्ति दो। इनमें से कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए, आई एम इंडिपेंडेंट। पैसा 14th, भीख नहीं मांगेंगे, सेंटर नहीं बना तो चलेगा। जिनकी पवित्रता बहुत श्रेष्ठ है, चरणों में पैसा आके गिरेगा, पर हम भीख नहीं मांगेंगे। वैसे भी और वैसे भी और वैसे भी, किसी भी तृति से। तो ब्रह्मा कुमारी अर्थात सबसे पहली चीज एक बाप
दूसरा ना कोई, यह पहला पाठ है और अंतिम पाठ भी यही है। दूसरा, एक बाप से सर्वसंबंध, एक से सर्वसंबंध, वही भाई है, छोटा भाई, बड़ा भाई, वही मां है, वही बाप है, वही चाचा, मामा, काका, वही बॉयफ्रेंड, वही फियांसी, वही स्पाउस, वही हस्बैंड, वही सर्वस्व, सब संबंध एक से। बाबा ने कभी कहा है, अगर एक भी संबंध कम जोड़ा तो उस संबंध के द्वारा द्वापर युग से दुख होगा, यदि अभी उसको पति नहीं बनाया तो द्वापर युग से पति के द्वारा दुख होगा, अगर अभी उसको बच्चा नहीं बनाया तो द्वापर युग से किसी ना किसी जन्म में बच्चे के द्वारा दुख मिलेगा। बहन किस किस ने बनाया है? शिव बाबा को अपनी बहन बना लिया, अच्छा नहीं, विशेष बहन, सर्वसंबंध तो है ही पर बहन तो एक से सर्वसंबंध। वो सेंट थेकला थी, यंग थी, उसकी शादी होने वाली थी, किसी से प्यार था, खड़ी थी एक बार बालकनी में, वहां से एक संत जाता है, जीसस क्राइस्ट का शिष्य सेंट पॉल, और कुछ गीत गाते हुए जाता है, वो उसको देखती रहती है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, तीन दिन तक देखती रहती है, और वो गाता रहता, ही दैट इज चेस्ट इन स्पिरिट इन बॉडी शैल रीच द किंगडम ऑफ गॉड, जो शरीर से पवित्र है, ब्रह्मचारी है, वही ईश्वर के दर्शन कर सकेगा। वो थेकला होती है, वो देखती रहती है, देखती रहती है, और अचानक उसमें परिवर्तन आ जाता है, एकदम पावर आके हिट करती है, कोई ये मैं क्या कर रही हूं, किस नरक में जा रही हूं, और वो अपनी मां से कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी। उसका होने वाला पति और उसकी मां दोनों उसको बहुत फोर्स करते हैं, पर वो नहीं मानती। अब पता नहीं वो सेंट पॉल वहां से जा रहा था, उसको देखते हुए क्या हो जाता है उसको, उसके वो गीत, वो भजन, वो साम्स सुनकर ही मौन में ही परिवर्तन हो जाती है, संकल्प कर लेती कि मैं ब्रह्मचारी नहीं रहूंगी, आई शैल रिमेन चेस्ट, चेस्टिटी इज द ओनली एंड ओनली प्रॉपर्टी ऑफ माई लाइफ। फिर उसकी मां और उसका होने वाला पति उसको बहुत समझाते, वो नहीं मानती, आखिर में उसके कंप्लेंट करती है, बहुत झगड़ा होता है, और उसको सजा सुनाई जाती है सबके सामने, गांव के सामने जला देने की, बर्निंग एट द स्टेक, और वहां फर्स्ट मिराकल होता है, जैसे उसको जलाया जाता है बारिश हो जाती है और वो बच जाती है। वो फिर कहती है, लॉर्ड आई गिव माय लाइफ अनटू थी, वहां से छूटती है। सेंट पॉल को भी पकड़ा जाता है, उसको भी मारा जाता है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, और उसको जलाया इसलिए जाता है कि बाकी स्त्रियां भी पाठ पढ़े अगर ऐसा करा तो। वहां से निकलती है, दूसरे स्थान पर जाती है, वो होने वाला पति वहां पर भी पहुंच जाता है, और वहां पर और दो तीन चीजें होती है, वहां पर फिर उसे पकड़ा जाता है और फिर सजा दी जाती है, और इस बार तो सजा बहुत खतरनाक थी, सब लोग इकट्ठा होते हैं और बीच में अखाड़ा, और वहां पर तीन भूखे शेर उसके बीच में उसको फेंक देते हैं, और वहां दूसरा मिराकल होता है, वो दो शेर जैसे ही आने लगते, वो एक शेरनी होती है, वो बीच में आके खड़ी हो जाती है, इसको कुछ नहीं होने देती, वो फिर अपने आप को समर्पित करती है कि अब बस तू ही मेरा सर्वस्व है, और मिराकुलस एस्केप, सेकंड टाइम बच जाती है, वहां से निकलती है, और फिर 80-90 साल तक जीते है, बूढ़ी होने तक, किसी एक गुफा में, आज भी वो गुफा है टर्की में, पर वहां पर रहते रहते उसमें मिराकुलस पावर्स आ जाते हैं, हीलिंग एनर्जी आ जाती है, सारे लोग उसके पास आने लगते हैं, जो भी बीमारी के साथ आता है वो ठीक होता है उसकी दवाइयों से या उसके स्पर्श से, हीलिंग से, टच से। फिर
तीसरा पेपर, गांव के जो डॉक्टर्स और वैद्य और वो सारे लोग होते उनको ईर्ष्या होती है, सारे पेशेंट्स उधर जा रहे हैं और उनको पता चलता है ये जो वो कर रही है उसकी प्योरिटी की पावर की वजह से। तो वो तीन चार युवकों को तैयार करते युथ्स और उसका शील भंग करने के लिए, उसकी प्योरिटी भंग करने के लिए उस गुफा में भेजते हैं। और वो इतनी बूढ़ी है उस एज में, और वो लोग युवक जाते हैं और लास्ट मिराकल होता है। वो कितना सही है पता नहीं, पर ऐसा कहा जाता है और इसका अकाउंट लिखा हुआ है कि वो पीछे पीछे जाती है और वो लोग सामने सामने से आते हैं और वो गुफा में देह सहित विलीन हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, ऐसा कायन है। उसको बाद में सेंट थेकला कहा है, सेंट पॉल एंड सेंट थेकला। ऐसी वो प्योरिटी से प्यार करने वाली स्त्री थी। तो ब्रह्मा कुमारी अर्थात सबसे पहला एक बाप, दूसरा न कोई दूसरा, एक बाप से ही सर्व संबंध, तीसरा एक के प्रति समर्पण भाव। किसी देहधारी के लिए समर्पित नहीं है, हमारी देह किसी देहधारी के लिए नहीं है, हमारी देह तपस्या के लिए है, सेवा के लिए है, आत्मा शिव बाबा के लिए है। समर्पण एक के प्रति, तीसरा, चौथा एक से प्यार। संसार के व्यक्तियों से हमें कोई प्यार नहीं, हां हम विश्व कल्याणकारी है वो दूसरा, पर किसी देहधारी से प्यार नहीं। टीचर से मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा महावाक्य, नोट करके रखना है, बहुत पावरफुल वाक्य है। टीचर्स से मुलाकात, टीचर्स बहुत प्यार से सेवा कर रहे हैं और किसी के प्यार में फंस के सेवा ना करें। क्या कहा बाबा ने, टीचर्स अर्थात वो जो बहुत प्यार से सेवा करे पर किसी के प्यार में फंस के सेवा ना करे। स्ट्रॉन्ग लाइन है बहुत, ये टीचर की परिभाषा है। तो ब्रह्मा कुमारी अर्थात एक से प्यार। अगला, ब्रह्मा कुमारी अर्थात एक के संग में रहने वाली। ये सारी पॉइंट्स अमृत वेला बाबा के सामने रिवाइज करनी है डेली, कि केवल एक तुम्हारे संग में मैं रहूंगी बस। इसके लिए लिखते लिखते ही याद करते जाओ, कुछ कुछ चीजें बाय हार्ट करनी होती है, क्योंकि ये चीजें वैसी नहीं है भूल जाए, ये रोज याद करनी जैसी चीजें, रोज दोहराने वाली चीजें बाय हार्ट, जैसे कोई प्रेयर है, जैसे कोई पोएम है, जैसे कोई पाठ है। क्योंकि ये जो बातें हम बता रहे हैं किसी को दिखाने वाली बातें नहीं है, किसी को कहने की बातें नहीं है, खुद करने की बातें है। तो ब्रह्मा कुमारी अर्थात एक का संग, मन में भी किसी और का संग नहीं। कोई अगर घुस गया तो निकलना मुश्किल है, संसार के व्यक्ति, फिर उनसे संपर्क, उनसे कांटेक्ट, उनसे फोन कॉल, उनसे व्हाट्सएप, उनसे मेल, लंबी लंबी बातें, शेयरिंग, रूठना रूसना नाराज होना सब चालू हो जाता है। ब्रह्मा कुमारी अर्थात नौ पर्सनल रिलेशनशिप्स।
अर्थात नो बिजनेस रिलेशनशिप्स, एक का संग, एक से प्यार, और अगला ब्रह्मा कुमारी अर्थात एक की याद, सिक्स्थ एक की याद। अगर एक को छोड़ के किसी और को मिस कर रहे हैं और उसकी याद आ रही है, और मैसेज भी करते हैं मिसिंग यू, उधर से मैसेज आता है आई टू आई एम ऑल्सो मिसिंग, तो लगा हो क्या ना। बोलते हमारे से संबंध बहुत पवित्र है, पवित्र तो है पर लगाव तो है, आकर्षण तो है, अटैचमेंट तो है, आसक्ति तो है, तो बुद्धि तो जाएगी। डिजिटल डिटैचमेंट, डिजिटल डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट, इतने कमजोर ना हो जाना कि कोई पुरुष हमारे इमोशंस को कंट्रोल करे, कोई देहधारी के पास हमारे मूड का रिमोट कंट्रोल हो, अपना रिमोट कंट्रोल अपनी जेब में, जेब है बनाना एक रखने के लिए, नहीं तो उधर से वो दबाएगा, खुश तो हम खुश, दूसरा बटन दबाएगा क्राय तो आंसू इधर से क्राय, हमारे मूड का रिमोट कंट्रोल हमारे पास चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ब्रह्मा कुमारी अर्थात एक के प्रति समर्पित भाव, ब्रह्मा कुमारी अर्थात एक से सर्व संबंध, ब्रह्मा कुमारी अर्थात एक से प्यार, ब्रह्मा कुमारी अर्थात एक का संग, ब्रह्मा कुमारी अर्थात एक की याद। संत ब्रह्मा कुमारी अर्थात एक से रूहान, एक से वार्तालाप, टॉक्स विथ वन, कॉन्वर्सेशन विथ वन, चिट चैट विथ वन, चैटिंग विथ वन, शेयरिंग विथ वन, देहधारियों से शेयर करते जाओ तो उधर शेयरिंग कम हो जाएगा, देहधारियों से ज्यादा बात करो तो उधर बात करना कम हो जाएगा, एक से बात करनी है, बहुत बात करनी है, ढेर सारी बातें, दो दोस्त मिलते हैं तो एक रात कम पड़ जाती है, इतनी बातें होती है उनके पास। तीन चीजें रोज करनी है, स्वयं से बातें, बाबा से बातें, ज्ञान का चिंतन, कंपलसरी चीजें है ये तीन, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जीवन में। अपने आप से बातें, अपने आप से क्या बातें करेंगे, अरे मूर्ख मन अभी तो समझ, अरे बुद्धू क्या कर रहा है, तुमको करना क्या है और तुम कर क्या रहे हो, मूर्खों के महामंडलेश्वर जाग, प्यार आत्मा से करना है देह से नहीं, प्यार परमात्मा से करना है देहधारियों से नहीं, हे मूर्खाधिराज उठो, किसको बोलना है, अपने मन को, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, सुना है ना शंकराचार्य का, अस्य ब्रह्माणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्तेव, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, अरे मूर्ख मन क्या कर रहा है। एक भाई ने अपने कमरे में लिख के रखा है, हे मूर्ख आगे अपना नाम, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो, आईने में ही लिख के रखा है रोज सुबह देखने के लिए, ब्रह्मा कुमारी बनने आई थी या शूद्र कुमारी बनने आई थी, स्वयं से पूछना है। याद, एक का संग, एक से प्यार, और सातवां बताया
एक से रोहन वार्तालाप डिस्कशन टॉक्स शेयरिंग कॉन्वर्सेशन चिट चैटिंग चैट अगला एक के साथ सारे कार्य करना अकेले नहीं करना उठना बैठना चलना फिरना कोर्स कराना मुरली सुनाना सेवा करना ऑफिस जाना ट्रैवल करना और ये नहीं समझना मैं जो जॉब कर रही हूं वो लौकिक जॉब है सोचना ये अलौकिक जॉब है लास्ट संडे की मुरली में टीचर से मुलाकात विदेश की टीचर से बाबा ने टीचर से कहा था अपने आप को ये समझाओ कि ये अलौकिक जॉब है ये बाबा के लिए मैं कर रही हूं चाहे वो कितना ही लौकिक का हो परंतु सोचना क्या है अलौकिक स्पिरिचुअलाइज द मटेरियल थिंग्स तो एक के साथ सारे कार्य करना बाइक पे जा रहे हैं तो बाबा पीछे बैठा है कार में जा रहा है तो बाजू में बैठा है ऑफिस में जा रहे हैं टेबल एक चेयर खाली रख देना बाबा के लिए सामने वो देखते रहेगा क्या करती हो फोन का कैसे रिस्पॉन्ड करती हो इरिटेट होके गुस्से में मूड ऑफ मूड ऑन के शांत ऑफिस में जाते ही बाबा को याद करके ऑफिस का काम चालू करते हो या सीधा ऑफिस से निकलते समय स्कूल से निकलते समय कॉलेज से निकलते समय बाबा को धन्यवाद देकर निकलते हैं या सीधा ही भोजन करते समय टेस्टी इतना है कि बाबा भूल गया और डूब गए खत्म ना हो जाए जल्दी खा लो हर कार्य बाप के साथ करने वाली तो ब्रह्मा कुमारी अर्थात एक से रोहन और हर कार्य बाप के साथ करने वाली नाइन्थ ब्रह्मा कुमारी अर्थात एक के छत्र छाया में रहने वाली वो ऊपर है चल रहा है साथ साथ और जब तक वो है कुछ नहीं होगा सारी दुनिया अगेंस्ट हो जाए कितने भी कलंक लगा दे अपवित्रता के चाहे ब्राह्मण परिवार ही क्यों ना लगा दे पर जैसे विश्वास है उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि छत्र बाप का है तो ब्रह्मा कुमारी अर्थात निरंतर एक बाप की छत्र छाया में पलने वाली रहने वाली बढ़ने वाली उड़ने वाली और सबको बाबा की छत्र छाया में लाने वाली दूसरे जो भटक रहे हैं उनको भी इस छाया में लाने वाली टेंथ ब्रह्मा कुमारी अर्थात एक बाप ही सब कुछ He is be all and end all. He is everything. उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं He is the last, He is the ultimate. As if we are the fishes in the ocean and the ocean is He. And we are swinging and moving and floating and flowing and swimming in this ocean called Baba. Such sense of surrender is the life of Brahma Kumari. तो समय पूरा हो रहा है 10 बातें आप सबको बताई याद है डायरी बंद कर दो डायरी बंद नो रिविजन अब बताओ क्या क्या बताई एक बाप दूसरा ना कोई और तीसरा आया तो तीसरी आंख बंद फिर दिखाई नहीं देगा धुंधला सा दिखाई देगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा तकदीर की जो तस्वीर है वो खराब हो जाएगी
रेखा बोली ना आज सुबह, मनसा वृत्ति की रेखा, कोई दूसरा आ गया बीच में, दूसरा दरवाजा डायरी बंद, एक बाप से सर्व संबंध, तीसरा एक के प्रति समर्पण भाव, जिसने एक के प्रति समर्पित किया किसी देहधारी के सामने समर्पित नहीं हो सकती, चौथा एक से ही प्यार, एक से प्यार करने में बड़ी आसानी है, देहधारियों से प्यार में बड़ी मुश्किल है, कभी रूठते हैं कभी नाराज होते हैं, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा फुलफिल नहीं होती है तो नाराज हो जाते हैं, मूड इतना चेंज होता है अनप्रिडिक्टेबल, और कितना भी खुश करो खुश होंगे क्या, कभी नहीं होते। अगला एक का संग, एक का संग, एक का साथ, एक की कंपनी, इंग्लिश में कहावत है, व्हेन आई फॉरगेट दैट गॉड इज माय सुप्रीम कंपेनियन आई फील लोनली, आई फील लोनली ओनली व्हेन आई फॉरगेट दैट गॉड इज माय सुप्रीम कंपेनियन, मुझे अकेलापन तभी आता है जब मैं ये भूल जाता हूं कि वो मेरा परम साथी सखा है। तो एक का संग, एक का साथ, एक की कंपेनियन, एक की कंपेनियनशिप, एक की पार्टनरशिप। अगला टॉक अभी बाद में, और भी है, एक का प्यार, एक का संग, एक की याद, याद एक ही याद आए, अगर देहधारी बहुत याद आ रहे अर्थात